त्योहारों के खत्म होते से ही पुलिस ने अपना चेकिंग अभियान का स्तर भी बढ़ा दिया है। अब उन्होंने चेकिंग के लिए बैंकों में भी दस्तक देना शुरू कर दी है। वहीं मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी बैंकों में अचानक निरीक्षण किया, जिसके बाद बैंकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और बैंक कर्मियों को भी सख्त निर्देश दिए गए। पुलिस ने दो संदिग्ध गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है और इस दौरान जानकारी दी जा रही है कि त्योहारों के मद्देनजर ये चेकिंग और पूछताछ की जा रही है। त्योहारों के बाद 3-4 दिन की बंदी, बीच में एक दिन शनिवार का खुला तो था लेकिन त्योहार चल रहे थे, तो ये पूरे प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब की तरफ से आदेश था कि सभी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, क्षेत्राधिकारी और ट्रेडिशनल एसपी लोग चेक करेंगे। उसी के क्रम में शहर में चेक करने के बाद देहात क्षेत्र में मैं यहाँ आया था, इस बैंक को भी चेक किया गया। एक दो लोग अपने परिवार के साथ थे लेकिन जगह कम बैंक थे तो उनको बाहर किया गया कि भाई बाहर इंतजार कर लीजिए। दो गाड़ियाँ हमें मिली ऐसी जैसे जिन पर नंबर प्लेट नहीं थे और उनके आए तो थे बैंक के कागजात तो थे, लेकिन इस बात का भी हम लोग ख्याल रखें कि बैंक के आसपास कुछ ऐसे अवांछित तत्व कोई किसी ग्राहक के साथ या किसी जनता के साथ पैसा लेके निकले या लेके आ रहा है तो कोई घटना कारित न करे, इस निर्देश से भी चेकिंग की जा रही है। उन गाड़ियों को चेक भेजा गया है, उनको सीज कर दिया गया है। एक गाड़ी के मालिक ने बताया कि साहब एक हफ्ते पहले मैंने खरीदी इसलिए नंबर प्लेट नहीं है, कागजात मांगने पर दिखा नहीं सके, 4 किलोमीटर दूर गाँव है, अगर कागजात एक हफ्ते के अंदर के होंगे तो हम उनको जो है जिन्होंने मांगते हुए चालान की कार्रवाई नहीं की जाएगी, अन्यथा दो गाड़ियों को भेजा गया है और अभी ये चेकिंग हमारी जारी है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। मऊ से ये थी सिद्धार्थ मौर्य की रिपोर्ट।